सो हेलो गाइस, मेरा विजय सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आप टेक हिंदी चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में द बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, जिसपे बहुत ज्यादा आप लोग को भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगी। लेकिन आज के समय में आप लोग को ये बताऊंगा, मेरे सामने है दो कैटेगरी, एक है रेडमी के, दूसरे है रियलमी के। तो रेडमी के स्मार्टफोन के कितना डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिलता है, रियलमी के स्मार्टफोन पे आप लोग को कितना डिस्काउंट देखने को मिलता है, वो पूरा मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग एक रेडमी लवर हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और आप लोग रियलमी लवर हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, नए चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को प्रेस, तो जाना मैं आपके लिए ऐसे नई वीडियो हेल्पफुल या यूट्यूब पे या फिर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड लाता रहता हूँ। चले फिर आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा, रेडमी के जितने भी स्मार्टफोन निकल के आते हैं उसकी डिमांड आप लोगों को इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे रियलमी के, तो रियलमी भी एक अपना जो पोजीशन है यहाँ पे इंडिया में अच्छी तरीके से बना रहा है। पिछले कुछ समय में इसने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आप लोगों को प्रोवाइड करके दिया है। यहाँ पर मैंने आपके सामने लाया हूँ दो ब्रांड, एक है रेडमी का, दूसरा है रियलमी का। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे रेडमी ब्रांड के स्मार्टफोन पर आप लोगों को कितना डिस्काउंट देखने को मिलता है, फिर बाद में हम जानेंगे रियलमी स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, द बिग बिलियन डे सेल के अंदर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 10% का आप लोगों को अलग से इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अगर आपके पास होगा एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला स्मार्टफोन रेडमी का निकल के आता है वो आप लोगों को रेडमी सेवन देखने को मिलेगा। इसकी जो नेट प्राइस है वो आप लोग ने अभी तक की देखे होंगे 6,499 रुपए, लेकिन आप लोग लेते हैं द बिग बिलियन सेल के अंदर तो इसकी जो कीमत है वो आप लोगों को 4,999 रुपए ओनली देखने को मिलेगी, और 2 साल की वारंटी भी आप लोगों को ये स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, जितने भी स्मार्टफोन में आप लोग यहाँ पे बताऊंगा, आप लोगों को वो स्मार्टफोन पे जाना है, चेक करना है। बहुत से स्मार्टफोन पे अलग अलग डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिलते हैं। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफर पे ये डिस्काउंट अवेलेबल है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से आप लोग पे करते हैं तो उस पर आप लोग को ऑफर देखने को मिलता है। अब जैसा कि मान लीजिए 12,000 का आपने कोई स्मार्टफोन लिया, उस पर अगर आप लोग एक्सचेंज करते हैं तो वो 10,000 में पड़ रहा है और 1,000 का अलग से आप लोगों को ऑफर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे ऑफर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्मार्टफोन में आप लोग को डिस्काउंट बताऊंगा वो ओरिजिनल बताऊंगा, सही बताऊंगा, बस आप लोगों को जाके चेक करना है। यहाँ पे देख लीजिए रेडमी नोट 7 प्रो मेरे सामने है, इसकी जो कीमत है आप लोग ने अभी तक की देखेंगे 15,999 रुपए, लेकिन आप लोग लेते हैं द बिग बिलियन सेल के अंदर तो 10,999 रुपए ओनली इतने में ही मिलेगा। अब ये कैसे, आपको जाके चेक करना है, वहां पर आप लोग को सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है रेडमी नोट 7 यस, अगर ये आप लोग लेते हैं 4+64GB वेरिएंट का, तो इसकी जो कीमत है वो आप लोगों को 8,999 रुपए ओनली अभी देखने को मिलेगी, जो कि इसकी पहले की कीमत थी 11,999 रुपए। यहाँ पे देख लीजिए रेडमी नोट 5 प्रो भी है मेरे सामने, 10,999 रुपए में ओनली इसको ले सकते हैं आप लोग, जो कि पहले की कीमत थी 16,999 रुपए। यहाँ पे अगर बात करेंगे रेडमी K20 Pro की, तो आप लोग को तो पता है इसकी जो कीमत है वो 28,999 रुपए थी, लेकिन आप लोग लेते हैं इसको द बिग बिलियन सेल के अंदर तो 24,999 रुपए में ओनली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए रेडमी K20 का, यहाँ पे 6GB वेरियंट की जो कीमत है वो उतर गई है, 19,999 रुपए आप लोग ले सकते हैं, जिसकी कीमत रखी गई थी 12,999 रुपए। और यहाँ पे देख लीजिए रेडमी नोट 6 प्रो की भी कीमत यहाँ पे बहुत आप लोग को कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे देख लीजिए ओनली 11,999 रुपए, जो कि 6+64GB वेरियंट की प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन मैंने आप लोग को बताया ये थे रेडमी के। अब यहाँ पे हम जानेंगे रियलमी स्मार्टफोन के बारे में, कितना क्या आप लोग को डिस्काउंट देखने को मिलता है। बस आप लोग को जितने भी डिस्काउंट मैंने स्मार्टफोन पर बताया हूँ आप लोग को जाके चेक करना है कौन से वेरियंट पर कितना डिस्काउंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे रियलमी के स्मार्टफोन ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना। ये हमारे सामने रियलमी का वेरिएंट आ गया है दोस्तों। अब देख लीजिए रियलमी का जो वेरिएंट है वो आता है सबसे पहले रियलमी C2, ये लेते हैं आप लोग 2+32GB का, तो इसकी जो नेट प्राइस है वो तो आप लोग को पता होगा 6,999 रुपए आप लोग को अभी तक देखने को मिली होगी, लेकिन लेते हैं इसको आप लोग द बिग बिलियन सेल के अंदर तो 5,999 रुपए में ऑनली आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख लीजिए इसका दूसरा वेरिएंट भी है 3+32GB, इसकी कीमत आप लोग ने अभी तक देखी होंगी 8,999 रुपए, लेकिन ये मिलता है बिग बिलियन सेल के अंदर 6,999 रुपए। और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है रियलमी का वो आप लोगों को रियलमी 5 देखने को मिलेगा, दोस्तों इसकी जो कीमत है वो आप लोगों को 10,999 रुपए देखने को मिली होगी अभी तक के, लेकिन इसको आप लोग लेते हैं
अभी बिग बिलियन सेल के अंदर तो 8,999 रुपये ऑनली देखने को आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे बात करेंगे रियलमी 5 प्रो के बारे में, तो इसकी कीमत आप लोगों को 14,999 रुपये देखने को मिली होगी अभी तक के। लेकिन आप लोग लेते हैं इसको द बिग बिलियन सेल के अंदर तो 12,999 रुपये में ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि क्वाड कैमरा के साथ ये निकल के आता है स्मार्टफोन। यहाँ पे देख लीजिए रियलमी एक्स भी है हमारे सामने 8 GB वेरियंट का, इसकी कीमत आप लोग ने अभी तक देखी होगी 17,999 रुपये, लेकिन लेते हैं इसको सेल के अंदर तो 15,999 रुपये में ही ऑनली आप लोगों को देखने को मिलता है पॉपअप कैमरा का फीचर्स। यहाँ पे देख लीजिए रियलमी एक्स की जो कीमत है वो आप लोगों को 17,999 रुपये देखने को मिलती है, लेकिन लेते हैं द बिग बिलियन सेल के अंदर तो यहाँ पे आप लोगों को 15,999 रुपये देखने को मिलेगी। यहाँ पे आता है रियलमी 2 प्रो, तो इसकी जो कीमत है आप लोगों को 13,999 रुपये देखने को मिली होगी पहले, अभी लेते हैं तो 8,999 रुपये बिग बिलियन सेल के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन मैंने आप लोग को बताया हूँ उसकी जो ऑफर है वो आप लोगों को जाके चेक करना है। जैसे कि आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वहाँ पे आप लोग को 10% का जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा, अगर आप लोग एक्सचेंज नहीं करते हैं तो उसका भी आप लोग बेनिफिट नहीं लेंगे, तो ये आप लोग को जाके चेकआउट करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों साथ शेयर। मैं राहुल जी सर आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।